मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी कड़ी में इंदौर के सरकारी स्कूलों में 44 आईटी लैब बनाई जाएगी, जहां विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं मिलेगी। इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त जिला परियोजना नरेंद्र जैन ने कहा कि इंदौर जिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है। लगभग 44 स्कूलों में आईटी लैब, जिसको आईसीटी एट स्कूल लाइफ कहते हैं, उसे स्थापित करने जा रहे हैं और अगले 6 महीने में आईसीटी लैब स्थापित की जाएगी। अभी प्रारंभिक जानकारी एकत्रित की जा रही है। इंदौर जिले में जो गवर्नमेंट हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उन स्कूलों में से चुनिंदा स्कूलों में हम लगभग 44 स्कूलों में आईटी लैब, जिसको हम आईसीटी एट द रेट स्कूल लैब कहते हैं, वो हम स्थापित करने जा रहे हैं और अगले 6 महीने में ये हम सभी 44 स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित कर देंगे। अभी हम प्रारंभिक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि उन स्कूलों में एक सुरक्षित लगभग 400 स्क्वायर फीट का कक्ष हो, जिसमें 11 कंप्यूटर लगाए जा सकें, प्रिंटर रखा जा सके, यूपीएस रखा जा सके और वो पूरी तरह सुरक्षित हो। तो हमारा प्रयास है कि अगले 6 महीने में हम जिले के 44 स्कूलों में आईटी लैब स्थापित कर देंगे। सर, चिन्हित स्कूल देखे हैं आपने जहाँ पर शुरू किया? हमारे ऐसे स्कूल हैं जैसे अहिल्याश्रम क्रमांक 2 है, बाणगंगा है, संयुक्तागंज बालक है, संयुक्तागंज गर्ल्स है, बिजलपुर हैं और महू सामिर देपालपुर में भी हमारे स्कूल हैं, जहाँ छात्र संख्या पर्याप्त है। ऐसे स्कूलों में हम प्रथम चरण में आईसीटी लैब स्थापित कर रहे हैं। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।